सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अकबर मुबास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए अगर हम जब व्हाट्सएप के ऊपर कोई तस्वीरें शेयर करते हैं किसी को, तो जो तस्वीरों की हाई रेजोल्यूशन होती है जब आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं तो वो बहुत कम हो जाती है, और जो एक्चुअल तस्वीर है वो जिसको आप भेजते हैं वो बंदा उस तस्वीर को नहीं देख सकता। तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपनी जो तस्वीर हैं उनको एक्चुअल भेज सकते हैं कि जितनी वो उस तस्वीर की रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल उसी तरह अगले बंदे के पास पहुंचे। तो चलते हैं स्मार्टफोन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से तस्वीर को सेंड करना है कि उसकी रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी जो है वो कम ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और उसको हम व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करेंगे और देखते हैं कि इस तस्वीर की जो क्वालिटी है वो क्या है, और उसके बाद जब हम व्हाट्सएप के सेंड करेंगे तो उसके बाद क्वालिटी किस हद तक गिरती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर की क्वालिटी आप देख लें कि किस तरह की है, और जब मैं इसको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि इसकी क्वालिटी किस तरह की। तो यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है, इसके पिक्सल्स वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 2.8 तकरीबन MB है। तो मैं इसको यहाँ पर व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ किसी को और उसके बाद आप देखें कि इसकी क्वालिटी जो है वो कितनी गिरती है। तो यहाँ पर मैं ये शकील को सेंड कर देता हूँ पिक्चर, तो ये पिक्चर जैसे ही मैंने सेंड की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। यहाँ पे पहले पिक्सल्स वगैरह बड़े अच्छे थे, वो ख़त्म हो गए हैं सारे, और इसका साइज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि साइज़ के अंदर कितना फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे ये MH पड़ी हुई है और उसका साइज़ जो है वो तकरीबन 2.8 MB है, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो व्हाट्सएप के ऊपर हम जाके देखते हैं कि वहाँ पर कितना साइज़ है इसका, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइज़ इसका है वो तकरीबन 180 KB हो गया है। तो 2.8 MB इसका ओरिजिनल साइज़ है, और जब व्हाट्सएप के ऊपर हमने इसको सेंड किया है तो इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 180 KB हो गया है। अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि अगर आप इस तस्वीर को ओरिजिनली सेंड करना चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो कम ना हो और क्वालिटी इसकी ना गिरे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और यहाँ पे आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसके ज़रिए आप अपनी फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। एक इस ऐप का ये फ़ायदा है कि आप बहुत सी फाइल्स को एक ही फोल्डर के अंदर कंप्रेस करके इकट्ठा सेंड कर सकते हैं, और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि इससे आपकी जो क्वालिटी है वो डाउन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो फाइल्स को कंप्रेस करता हो, तो मैं यहाँ पे RAR को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर RAR लिखेंगे तो यहाँ पर RAR आ गया है मेरे पास, ये पहले से डाउनलोड है, ये अभी अपडेट मांग रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पर अपडेट भी कर दिया है। तो मैं सिंपली यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो मेरे मोबाइल फ़ोन के फोल्डर्स हैं उसी तरह नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट में जो है वो मेरे वो तस्वीर भी नज़र आ रही है जिसका यहाँ पे वो 1.98 तकरीबन साइज़ शो कर रहा है, तकरीबन 2 MB इसका साइज़ है। तो अब मैंने इसको जब कंप्रेस करना है, उसको कंप्रेस करने के बाद मैंने इसको सेंड करना है, तो यहाँ पर मैं इसको प्रेस करके थोड़ा होल्ड करूँगा तो यहाँ पर ये एक मेन्यू मेरे पास ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मेरे पास आ रहा है ऐड टू आर्काइव, तो उसको मैं ऐड टू आर्काइव कर लेता हूं, और ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इसको कौन से फॉर्मेट में कंप्रेस करना है। यहाँ पे RAR फॉर्मेट है, ZIP फॉर्मेट है, RAR 4X है, तो मैं इसको ZIP फॉर्मेट में कर लेता हूं। इस ZIP फॉर्मेट में करने से ये होगा कि जिसको आप सेंड करेंगे उसको RAR करने की ज़रूरत नहीं है, ZIP फॉर्मेट जो है उसके पास आसानी से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोल्डर है ये ZIP हो गया है, और थोड़ा सा साइज़ में इसके फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ से आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे, और सेंड के बटन पे आने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर आके आप, मैं दोबारा इसको शकील को ही सेंड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे शकील को दोबारा से सेंड हो गया। तो अब जो इसका साइज़ है वो ओरिजिनल साइज़ के अंदर ये सेंड होगा, तकरीबन इसका जो 2 MB का साइज़ है उसी साइज़ में ये शकील के पास सेंड हो गया, और उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन बिल्कुल नहीं हुई है। तो इस तरह से अगर आप 1 MH सेंड करना चाहते हैं तो आप 1 MH सेंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर मल्टीपल इमेजेस को, मल्टीपल फाइल्स को, ज़रूरी नहीं है कि इमेजेस ही हों, अगर आपकी इमेजेस के साथ वीडियो भी है तो आप सारी फाइल्स को इकट्ठा कंप्रेस करके इस RAR के ज़रिए या कोई भी कंप्रेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए आप कंप्रेस करके इकट्ठा सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में मेरे चैनल को अगर आप ये समझते हैं कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो मेरे चैनल आईटी की टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।